टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी की ओर से शनिवार को आरोप लगाया गया कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में शराब घोटाले का अधिकारी मनी ट्रेल मिल गया है। सारा पैसा बीजेपी के खाते में है, ऐसे में पार्टी के चीफ जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली में मंत्री और आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग यह जान चुके हैं कि भाजपा की सरकार समूचे विपक्ष के नेताओं को निपटाने और जेल में पहुंचाने में लगी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी 24 मार्च को सियाचिन में जवानों के साथ होली का त्योहार मनाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वह आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। दिल्ली के मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के घर ईडी की छापेमारी। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित के परिवार के साथ है। शॉपिंग मॉल में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 140 हो गई है। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस ने ली है। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। बांग्लादेश से जाली मुद्रा लाने वाले कंचन मंडल को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजा है। इस पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सरसेवा ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थे, जिसे खत्म करके वह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो को अब अकल आई है। उन्होंने सुलह का रुख अपनाया है। मुइज़ो ने कहा कि भारत उनके देश का करीबी सहयोगी बना रहेगा और उन्होंने नई दिल्ली से द्वीप समूह राष्ट्र मालदीव को ऋण राहत देने का आग्रह किया। पुणे में दिसंबर में हुई युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने अब सुलझाई है। पुलिस ने बताया कि युवक एक विवाहित महिला से प्यार करता था। जब महिला के पति को यह सब पता चला तो उसने युवक की हत्या कर दी। बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे ने कहा कि अगर प्रचार के दौरान उनकी जाति का जिक्र किया जाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कभी काम करते समय लोगों की जाति नहीं देखी है। बीड में अजित पवार गुट के नेता और धनंजय मुंडे के करीबी माने जाने वाले बजरंग सोनपरे शरद पवार गुट में शामिल हो गए। इसके बाद शरद पवार ने अजित पवार गुट को चेतावनी दी है। शरद पवार ने दावा किया कि अजित पवार समूह से और नेता उनके गुट को ज्वाइन करेंगे। देश के तमाम छोटे बड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर राजनीति में एंट्री कर सकती है। बीबी अध्यक्ष आम्बेडकर ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। उन्होंने चुनाव चिन्ह के लिए एसीआई को कुछ नाम भेजे हैं। 1 से 2 दिन में उन्हें नया सिंबल मिल जाएगा। भारतीय बाजार में इंस्टेंट सेटलमेंट यानी T+O सेटलमेंट की शुरुआत अगले सप्ताह से होने जा रही है। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार BSE ने इस बारे में एक अहम अपडेट शेयर किया है। उसने बताया है कि अगले सप्ताह इंस्टेंट सेटलमेंट के बीटा वर्जन की शुरुआत की जाएगी। रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नाबाद 25 रन बनाए। IPL 2024 का पहला मुकाबला CSK और RCB के बीच खेला गया। इसे CSK ने 6 विकेट से जीत लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।